नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे आप लोग। दोस्तों, भारतीय मार्केट में जब कोई एंट्री लेवल सेगमेंट का एंड्रॉयड स्मार्टफोन होता है लॉन्च, तो उसके बारे में आप लोगों के लिए जानकारियां जरूर लेकर आता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज आईटेल ने अपने एक एंट्री लेवल सेगमेंट के एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स को कर दिया है लॉन्च, जिसके अंदर बेहतरीन डुअल 4G जैसे फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसे स्मार्टफोन का नाम कंपनी ने आईटेल A23S रखा। इससे पहले भारतीय मार्केट में लॉन्च आईटेल A23 प्रो के सक्सेशन मॉडल के रूप में देखा जा रहा है, तो इस वीडियो में इसी आईटेल द्वारा लॉन्च A23S के फीचर्स के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय मार्केट में कीमत उपलब्धता के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लें इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जिस कीमत के साथ कंपनी ने इसको लॉन्च किया, तो क्या आप लोगों को एक नॉर्मल यूज के तौर पर इस स्मार्टफोन को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें इस आईटेल A23S के डिजाइन के बारे में, जैसा हम लोग हमेशा करते हैं, तो इसके बैक पैनल से हम करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को पॉलीकार्बोनेट 3D कलर फिनिशिंग देखने को मिल रही है, जिसके साथ कुछ लाइट इफेक्ट भी कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा उसके बैक साइड पर आप लोगों को सिंगल कैमरा LED फ्लैश की सुविधा, हालांकि इसके अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा, लेकिन बॉटम तल पर कंपनी की ब्रांडिंग और डुअल स्टीरियो साउंड कंपनी जरूर उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को वही 16:9 वाली ओल्ड डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके चारों तरफ काफी ढेर सारा बेजल देखने को मिल जाएगा, हालांकि इसके फ्रंट साइड पर भी आप लोगों को सिंगल कैमरा और LED फ्लैश की सुविधा कंपनी उपलब्ध करवा रही है। यहां पर क्लियर कर दूं कि इसके अंदर फेस अनलॉक का फीचर जरूर मिल रहा है, लेकिन फिंगरप्रिंट सेंसर जैसा फीचर इसके अंदर कंपनी ने उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा इसको कंपनी भारतीय मार्केट में ब्लैक और ब्लू कलर के साथ ऑलरेडी परचेस करने के लिए उपलब्ध करवा चुकी है। तो दोस्तों, अब चलिए देख लें इसके और स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके डिस्प्ले के बारे में, तो इस आईटेल A23S के अंदर 5 इंच की एक फुल कलर टच डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिसका रेजोल्यूशन 448x856 पिक्सल का है। 60:9 की डिस्प्ले मिल रही है, 2.5D क्वाड ग्लास की फिनिशिंग मिल रही है, और सबको मिलाकर एक एंट्री लेवल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के तौर पर इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो ठीक ठाक रहने वाली है। यहां पर अगर HD+ डिस्प्ले होती तो काफी बेहतर होता। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के CPU के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को एक यूनिसो का एनऑन प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जो यह एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड क्लॉक्ड है 1.4 GHz पर, जिसके साथ माली का GPU कंपनी उपलब्ध करवा रही है, और सबको मिलाकर ये नॉर्मल यूज के लिए ठीक ठाक प्रोसेसर लगने वाला है, जिसके अंदर डुअल 4G कनेक्टिविटी के साथ साथ आप लोग डेली टास्क काफी आसानी से पूरे कर पाएंगे, और इसके अंदर लैग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर कंपनी आप लोगों को OS उपलब्ध करवा रही है, एंड्रॉइड 11 गो एडिशन, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, ये ठीक ठाक वर्क करने वाला है नॉर्मल यूज के लिए। अगर बात करते हैं इसके रैम और स्टोरेज वेरिएंट के बारे में, तो हाल फिलहाल में कंपनी ने इसको भारतीय मार्केट में एक ही स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ किया है लॉन्च, जहां पर आप लोगों को 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज देखने को मिल रही है। हालांकि यह अन्य स्टोरेज और रैम वेरिएंट के साथ भारतीय मार्केट में अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप लोग इसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए 32GB तक एक्सटेंड भी कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से दोस्तों, गो एडिशन पर बेस्ड यह स्मार्टफोन है, तो उस हिसाब से इसका रैम और स्टोरेज भी काफी बेहतर रहने वाला है। अगर बात करें इस आईटेल A23S स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर सिंगल कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जो 2 MP का है LED फ्लैश के साथ। फ्रंट साइड पर सेल्फी और कॉलिंग के लिए एक VGA कैमरा कंपनी उपलब्ध करवा रही है LED फ्लैश के साथ। हालांकि इन कैमरों के अंदर आप लोगों को AI, HDR, पैनोरमा, स्लो मोशन जैसे बेहतरीन फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। और मेरे हिसाब से दोस्तों, इसका जो कैमरा सेटअप है वो तो एकदम बकवास ही रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 3020mAh की बैटरी उपलब्ध करवा रही है, और कंपनी का दावा है कि अगर आप लोग इस स्मार्टफोन की बैटरी को एक बार करेंगे फुली चार्ज, तो आप लोगों को एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिलने वाला है। हालांकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी तो नहीं मिल रही, पर 10W फास्ट चार्जिंग को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करने वाला, और मेरे हिसाब से इसका बैटरी बैकअप भी नॉर्मल ही रहने वाला है एक एंट्री लेवल सेगमेंट के स्मार्टफोन्स के तौर पर। इसके अलावा अगर बात करते हैं आईटेल A23S के अन्य स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G वाईफाई, GPS, FM रेडियो, 3.5 mm रेडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट कंपनी उपलब्ध करवा रही है, और मेरे हिसाब से वो सारे फीचर्स के अंदर मिलते हैं जो एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर फाइनली हम लोग बात करें इस आईटेल A23S के भारतीय मार्केट में कीमत उपलब्धता के बारे में, तो दोस्तों, यह ऑलरेडी ऑफलाइन मार्केट और कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए परचेस करने के उपलब्ध हो चुका है, जहां से आप लोग इसको परचेस कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी कीमत के बारे में, तो कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग कीमत मात्र 5,299 रुपए रखी है, जो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर जो फीचर मिल रहे हैं उस आधार पर मेरा अनुमान है कि इसकी कीमत अराउंड 3500 रुपए के आसपास रहती तो काफी बेहतर होता। फिर भी दोस्तों, अगर आप लोगों का बजट है 5000 के आसपास और आप लोग एक सेकेंडरी स्मार्टफोन परचेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। फिर भी आप लोगों के दिल में कुछ भी सवाल हो इस स्मार्टफोन के फीचर्स, कीमत, उपलब्धता को लेकर, तो आप लोग नीचे कमेंट भी करिएगा, मैं जवाब जरूर देता हूं। और मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।